साथियों चश्मा बहन, अभी अभी आपने उत्तरार्धन सूत्र का 12वां अध्याय पढ़ा है। भगवान महावीर ने जाते जाते हमको सावचेत किया है कि अगर आत्मा की शुद्धि करनी है तो उसके लिए कोई जाति आदि नहीं आती, कोई रूप आदा नहीं आता, कोई खानदान आदि नहीं आती। जिसको अंदर से जागना है वो जागते रहता है। यहाँ 12वें अध्याय के अंदर हरि केशी मुनि का उदाहरण देते हुए कहा, जन्म से ही वो अत्यंत कुरूप था, फुक्कना से, जिसकी चौड़ी नाक थी, चपटी नाक थी, आगे आए हुए दांत थे, काला रंग था और दिखने में एकदम कुरूप था। अच्छा, दिखने में कुरूप है तो कोई बात नहीं, स्वभाव देखो तो अंगार। इतना क्रोध उसको था कि कदम कदम पे झगड़ा करने को तैयार रहता था और ऐसे में उसको अपने पास कोई खड़ा नहीं रहने देता था। वो जहाँ खड़ा हो जाता लोग वहाँ से निकल जाते थे, डेंजर आदमी है, डेंजर आदमी है, डेंजर आदमी है। तो कोई उसको अपने साथ बच्चे भी खेलने को नहीं लेते थे। बच्चे खेलते थे, बच्चों को दो ग्रुप बनते थे, वो कहते हमारे ग्रुप में ये नहीं, हमारे ग्रुप में ये नहीं। इस तरह से चारों तरफ से उसकी उपेक्षा हो रही थी। इतनी उपेक्षा हो रही थी कि वो परेशान हो गया, अकेला कैसे जीऊँ, कोई मेरे सामने देखता नहीं, मेरे से कोई प्रेम करता नहीं, मेरा अपना कोई है नहीं, मैं क्या करूँ। ऐसे समय में क्या हुआ कि वहाँ पर एक बड़ा सारा सर्प निकला। सर्प निकला तो लोगों ने आगा देखा और पीछा, उस सर्प को वहीं पे खत्म कर दिया। और उसके बाद एक अलसिया निकला, कांगू अलसिया निकला। अलसिया को देखा तो अलसिए को लकड़ी पे लेकर के बाजू में डाल दिया। ये दृश्य उसने देखा, सोचा कि इतना बड़ा सर्प था, उसकी दया इन्होंने नहीं की, उसको मार डाला और अलसिए को बचा करके बाजू में रख दिया। मतलब आदमी का स्वभाव भी आदमी को परेशान करता है। एकदम से उसको याद आया, मैं कितना क्रोध करता हूँ, अपने आप को कितना हीन समझता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं कुरूप हूँ, मेरे दांत आगे हैं, मेरी नाक अच्छी नहीं, मेरा रंग अच्छा नहीं, इस तरह से मैं विचार करता हूँ। पर कभी अपने स्वभाव के बारे में मैंने सोचा, मेरा स्वभाव मैंने इतना क्रोधी क्यों बना दिया। और उसकी आंखें ढक गई और वो चिंतन की गहराई में उतर गया। चिंतन की गहराई में उतरा तो उसको पिछला जन्म याद आने लग गया। अरे पहले जन्म में मैं भी अच्छे कुल में था, पर मैंने जाति का अभिमान किया था। जाति का अभिमान किया, इसके लिए इस चतुर्वर्ग श्रेणी के चौथे वर्ग के श्रेणी में मेरा जन्म हुआ है और यहाँ मुझे इतना ज़्यादा कुरूप मिला क्योंकि मैंने अभिमान किया था, अपने रूप का अभिमान किया था, अपनी जाति का अभिमान किया था, जिस कारण से ये सारा मेरे सामने परोस के आया है। ओहो, एकदम से उसको पहला जन्म याद आया, पहली दीक्षा याद आई और उसने विचार किया, अब मुझे भी संयमी जीवन बनाना है। संयम उसने स्वीकार कर लिया, अपने मन से ही उसने क्या कर लिया, तीन करण तीन योग से सावध्य योग के सारे त्याग कर दिए। मेरे मन के लिए, मेरे शरीर के लिए मैं कुछ भी पाप नहीं करूँगा, सभी बातों के मैं तत्काल लेता हूँ। सारे तत्काल लेकर के उन्होंने तपश्चर्या चालू कर दी। तपश्चर्या चालू कर दी तो आराम से तपश्चर्या होने लग गई, वास हो गया, बेला तेला चोला पचोला, और एक महीना निकल गया तो भी शरीर काम दे रहा है। उसके मन में आया, अब मुझे एक एक महीने की तपश्चर्या करनी है, एक महीने की तपश्चर्या करना, उसके बाद कांगड़ा करना, फिर एक महीने की तपश्चर्या करना। ऐसी तपश्चर्या उसने चालू कर दी और जब तप करता, बिहार तो करते थे पैदल चल के, इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहते थे। एक बार बिहार करके एक मंदिर के पास पहुँच गया, मंदिर के पास पहुँचे और मंदिर में जाकर के उन्होंने ध्यान लगाया। पेट में तो कुछ था नहीं, तपश्चर्या चालू की और ध्यान लगाया। ध्यान की इतनी गहराई उनको आने लग गई कि वे कहाँ है इसका भी ध्यान उसको नहीं रहा। उनके कपड़े देखो तो इतने मेले, उनके शरीर में देखो तो इतना मेल इकट्ठा हुआ था, वो अपने शरीर की चिंता ही नहीं करते थे।
शरीर की सफाई नहीं करते थे, और ऐसे में राजा की राजपुत्री वहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए आई। आई तो उसने देखा कि यहाँ पर पेड़ के पास कौन इतना गंदा आदमी खड़ा है। पूजा करके आने के बाद उसकी सहेली आदि साथ में थी, पहले तो उनको बहुत हंसी आई, बहुत पिंगल उड़ाई उसकी, ऐसे गंदे लोग होते हैं, ऐसे फालतू लोग होते हैं, ऐसे निकम्मे लोग होते हैं, ऐसी उसने आशंका करी। और उसके बाद जाते जाते थूक पर दिया, थूक दिया। और बात यह है कि हमारे हरि केशी मुनि, उनका नाम क्या था, हरि केशी बल, हरि केशी मुनि थे, और उनकी सेवा में देवता आकर के रहने लग गए थे। जंतर देवता उनकी सेवा करते थे। अरे आदमी तो बहुत देखे, ऐसा आदमी नहीं देखा जिसको अपनी मन की नहीं, जिसको अपने तन की नहीं, जो लगातार तपश्चर्या करता है उसकी सेवा में वो रहने लग गए थे। और ये राजकुमारी ने जब उसका अपमान किया तो देवता गर्म हो गया, समझता कुछ नहीं और अक्कल पकड़ दे जाती है। इतने महान तपस्वी के ऊपर थूक के गई है, तू हो गई अपने घर की बड़ी, हम तुझे बड़ा नहीं मानते, बड़े ये है, बड़े वो नहीं है, बड़े तू नहीं है, बड़े ये है। और वो क्या हो गया, उस लड़की के शरीर में उसने प्रवेश कर लिया, लड़की के शरीर में प्रवेश कर लिया, और वो लड़की तो पागल जैसी करने लग गई। कहीं जीभ बाहर निकालती है, कहीं आंखें बड़ी बड़ी करती है, कहीं नाचती है, कहीं हंसती है, ऐसे चाड़े करने लग गई, ऐसे विविध प्रकार की भाव भावभंगिमा वो करने लग गई। और परेशान हो गए बेचारे पिता, मेरी इतनी सुंदर लड़की, मेरी इतनी लायक लड़की, शादी के योग, शादी के समय का उसका काल है, और वो ऐसी पागल जैसी कर रही है, अब मैं इसको कैसे संभालूं। जहाँ जाती वो पागल सना करती, हाँ 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 हंसती, चाहे जैसी जीभ दिखाती, जीभ बाहर निकालती। और बेचारे पिता परेशान हो गए, अब मैं क्या करूँ। तो लड़की के मुंह से वो व्यंतर देव बोला, वो व्यंतर देव बोला, इसको मैं ठीक होने देने वाला नहीं हूँ, ये ऐसी ही पागल रहेगी, इसको ऐसा ही पागल रखूँगा। और अगर तुम्हें लड़की अच्छी चाहिए तो उस मुनि की माफ़ी मांगो, उस मुनि की, उस साधु की माफ़ी मांगो जो इतनी तपस्या करते हैं, अपने शरीर का मुंह छोड़ दिया, अपने मन की किसी प्रकार की इच्छा उसने रखी नहीं, और उसका अपमान करने वाली बड़े घर की लड़की होगी अपने घर की बड़ी, हम नहीं मानते ऐसे को बड़ी, उसका उसकी माफ़ी मांगो, उसकी माफ़ी मांगो, साधु की माफ़ी मांगो, तो ये अच्छी हो सकती है। और देखो साधु का सम्मान करना है, बेचारा जंतर, जंतर देव को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, एक विधवा भी अच्छा वैधव्य पाले तो वो भी जंतर देव बन सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। उसने कहा इस लड़की की शादी उससे करो, उस मुनि से शादी करो। और राजा कहने लग गया, इतना गंदा आदमी और उसके साथ मेरे लड़की की शादी, कैसे बात करते हो आप, नहीं तो पागल लेने दो तुम्हारी लड़की को। और आखिर बेचारा मरता क्या न करता, लड़की पागल जैसी कर रही है, उसकी अपेक्षा शादी तो हो जाएगी। वे गए मुनि के पास, पहले तो माफ़ी मांगी, मेरी लड़की से कोई भी अपराध हुआ है, अशांतना हुई है, तो उनको माफ़ी दो। और उसके बाद कहा कि मेरे लड़की की शादी आप कर लो, लड़की के साथ आप शादी कर लो। तो बेचारे हरि केशी मुनि को तो कोई बात ही मन में नहीं, कोई देवी देवता तकलीफ दे रहा है दूसरों को और मेरी सेवा कर रहा है, ये भी उनको ध्यान नहीं। और उन्होंने क्या किया, भाई मैंने तो सब कुछ छोड़ा हुआ है, मैंने तो सोच समझ करके सारी बातें दुनियादारी की छोड़ी हुई है, मैं तो तपस्या में विश्वास करता हूँ, मेरी अंतर की ज्योति प्रकट करने का पुरुषार्थ मेरा चल रहा है, शादी वादी का विचार मैं कर नहीं सकता। अब राजा ने कहा अगर तुमने शादी करोगे तो मेरी लड़की का क्या होगा। कहा कि ठीक है, वो शादी नहीं करते तो किसी ब्राह्मण से इसकी शादी कराओ,
राजा ने देखा अब कोई राजपुत्र तो इसको मिलने वाला है नहीं, ऐसे पागल देश इसने कर दिया, इसका प्रदर्शन इतना हो गया है, कोई बड़े घर का राजकुमार तो मिलने वाला है नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, किसी ब्राह्मण को ढूंढा। ब्राह्मण ने देखा मेरे को राजकुमारी के साथ मेरी शादी, उसकी तो खुशी का पारावार मिल रहा और उसने बड़े शोक के साथ राजकुमारी से शादी कर ली। शादी का बोझ हो रहा था, उसने अपनी खुशी के मारे सारे ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया था और ब्राह्मणों के लिए बड़ा सारा भोजन का आयोजन था। भोजन वहाँ पक रहा था, भोजन तैयार हो रहा था, कई बातें तैयार हो चुकी थी और ऐसे में हमारे हरि केशिनी घूमते घामते कहीं से पता नहीं, उनको एक महीना पूरा हो गया था, मांस खमण करने को एक महीना पूरा हो गया था और अनाज की खुशबू आई तो वे वहाँ आकर के खड़े हो गए कि यहाँ कुछ आहार मिल जाएगा। ओह, ऐसे मेरे व्यक्ति को अपने ब्राह्मणों के बाड़े के सामने खड़ा देखकर ब्राह्मणों ने कहा, अरे कौन ये भीख मंगा यहाँ पे आया है, यहाँ हमारा ब्रह्म भोज चल रहा है, ब्राह्मणों की रसोई हो रही है और यहाँ पर ऐसे गंदे लोगों का काम नहीं होता। उन्होंने कहा, आपका जो बचा हुआ हो वो मैं लेने को आया हूँ, मुझे पालना करना है, हम नहीं जानते पालना वालना कुछ भी और हमारे यहाँ का एक कण भी तुझे मिलेगा नहीं, इसको धक्के दे के निकालो। ब्राह्मणों ने क्या कहा, इसको धक्के दे के निकालो। और आए लोग और उनको धक्का देने लग गए, जैसे ही धक्का देने लग गए कि वो जंतर वापिस ब्राह्मणों के शरीर में प्रवेश कर गया, और ब्राह्मण को नीचे गिर गए, नीचे पड़ गए, नीचे शरीर के लौट रहे हैं, हा हा ही कर रहे हैं, पागल जैसे करने लगे। एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण, कई ब्राह्मण पागल हो गए, वो किस तरह से करने लग गए। उधर से वो राजकुमारी, उनके यहाँ का भोजन था ब्राह्मणों के लिए, इसके लिए वो वहाँ पे आई और उसने सारी ये स्थिति देखी कि सारे ब्राह्मण पागल जैसे कर रहे हैं और वो मुनिराज यहाँ से जा रहे हैं, इनको धक्का दे करके निकाला गया है। उस राजकुमारी ने कहा, अरे गजब कर दिया तुमने, वो बहुत महान आत्मा है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, उसका अपमान किया शायद तुमने, इसके लिए ये सारे ब्राह्मण नीचे जमीन पे पड़े हैं और चाहे जैसी बेहोशी की क्रिया कर रहे हैं, जल्दी जाओ ब्राह्मण से माफी मांगो और उनको शुद्ध आहार दो, आपके यहाँ जो भी बना हुआ है उनके लिए बना हुआ नहीं है, जो आहार है उनको आहार का दान करो और उनकी तपस्या का पालना कराओ। तो जब वे सब इस तरह से करने लगे तो ब्राह्मणों ने पूछा, अरे भाई तुम इतने मेले तो हो, इतने गंदे क्यों रहते हो, ऐसा क्या तुमने स्नान क्यों नहीं करते, तुम्हारा स्नान कौन सा है। तो हरि केशी मुनि ने कहा, अंतर की शुभ लेशा ही मेरा स्नान है, अंतर की शुभ लेशा ही मेरा स्नान है और तत् की ज्योति ही मेरा प्रकाश है, शरीर मेरे तत् की ज्योति को रखने वाला दिया है और इस तरह से मैं अपने कर्मों के लकड़ियों को यहाँ पे तपस्या में जला रहा हूँ, मेरी साधना चल रही है। सारे ब्राह्मणों की आंखें खुल गई, सच्चा स्नान किसको कहते हैं, सच्चा यज्ञ किसको कहते हैं, सच्ची शुद्धि किसको कहते हैं, ये सारी बातें 12वें अध्याय में भगवान महावीर ने जाते जाते हम लोगों को चेताया है, कहा है कि खाली जाति का अभिमान करने से काम नहीं होगा, कुल का अभिमान करने से काम नहीं होगा, आपको तप का आश्रय लेना पड़ेगा, संयम की साधना करनी पड़ेगी। हरि केशी मुनि जैसा आदमी भी अगर उसने तपस्या की तो देवी देवता उनकी सेवा में आ गए, देवी देवता उनकी सेवा करने लग गए और राजकुमारी जैसी राजकुमारी भी राजा देने को तैयार हो गए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये उनका दृढ़ निश्चय था।
किंतु आदमी बाहर के रंग रोगन से नहीं पहचाना जाता, अंतर की साधना से आदमी की पहचान होती है। अंतर की साधना सबसे बड़ी साधना है, ये बात हमारे भगवान महावीर स्वामी ने हरि ऋषि मुनि का उदाहरण देकर के हमको समझाने का प्रयास किया है। भागवानों, आज आपने 12वां अध्याय पढ़ा है, 12वें अध्याय की स्वाध्याय की है, अब तक 36 तक हमको जाना है और 36 तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। इस तरह से आप लोग भी पढ़ना सीख गए हो, बहुत बड़ी बात है। पढ़ी लिखी बहुएं आजकल तैयार हो गई है, आपको पढ़ना लिखना आ गया है। पहले हमारी सेठानियों को पढ़ना कहाँ आता था, पढ़ना ही नहीं आता था, अंगूठा छाप होती थी और ऐसे उनको जल्दी शादी कर देते थे, जिस कारण से खाली वो सुनती थी और सुनना कैसा, एक दिन में 36 अध्याय पढ़ लिए, 3 घंटे में 36 अध्याय का स्वाध्याय कर लिया और आपने सुनाया, हमने संतोष मान लिया। ऐसी हमारी परंपरा चली आ रही थी। हमारे राजस्थानी समाज में तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, जिस कारण से स्वाध्याय करना तो बहुत लंबी बात हो जाती थी। आजकल सारे पढ़े लिखे हो गए हैं, थोड़ा सा बताया कि आपको पढ़ना आ गया और देखते देखते सभी के मुंह से आवाज़ निकलने लग गई है, इधर हमारे साथ पढ़ते हैं, इधर उनके साथ आप पढ़ते हो और देखते देखते 12वें अध्याय तक आप पहुंच गए हो। भागवानों, हमारे पुण्य है जो ऐसे तीर्थंकर हमें प्राप्त हुए, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का शासन हमको मिला, जहाँ पर जो सत्य और तथ्य है वही समझाया गया है, जहाँ अंधश्रद्धा को बिल्कुल स्थान नहीं है, जहाँ पर गपोर पंथ को बिल्कुल स्थान नहीं है, गप्पा और गप्पीदास चलता नहीं है, जहाँ सत्य है तथ्य युक्त है उसी को समझाया गया है। 3600 अध्याय के अंदर हमको यही ज्ञान बार बार घूमता रहेगा और अनुभव आपका बढ़ता रहेगा, आपके कान पवित्र होते रहेंगे, आपकी जीत की शक्ति बढ़ती रहेगी और आपके समय की सार्थकता होती रहेगी। अभी जिन्होंने स्वाध्याय किया है अपने एक एक मिनट को सार्थक किया है, अपना एक एक मिनट अप्रमाद में बिताया है, आपकी आंखें, आपकी जीभ और आपके हाथ सारे अच्छा काम कर रहे थे। इस तरह से अच्छा काम करने के लिए दिवाली हमारे सामने आई है। आज कौन सी तिथि है, आज कही है नौमी, आज 12 दिवाली रखा ना पे गया पता देना है।